चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे ने तखत, लाल आगे आए बैठे ने तखत, श्री महामति कहे साथ जी, ए बात बड़ी बुजराक, एक जरा में ना कह सको, लाल कहा गजे माफक, लाल कया गजे माफक, तीसरे प्रहर, अब कहो तीसरे प्रहर की, प्रणाम सुंदर से, अब कहो तीसरे प्रहर की, धाम धनी सच्चिदानंद स्वरूप आसभाई के धाम हृदय में विराजमान हो करके महामति जी के स्वरूप में श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में जब श्री जी सुंदर सात को लेकर के पहुँचे और वहाँ जो ब्रह्मनियों की दिनचर्या हुआ करती थी उसमें प्रथम प्रहर और दूसरे प्रहर का प्रसंग हमने श्रवण किया। अब तीसरे प्रहर का प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं। बीतक जो शयन, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक दिन का प्रथम प्रहर, 9 से 12 दूसरा प्रहर और 12 से 3 बजे दिन का तीसरा प्रहर होता है। तो 12 से 3 बजे तक क्या लीला होती है इस प्रसंग में वर्णन करने जा रहे हैं। चरना लेके आया, दोपहर भोजन करने के पश्चात थोड़ी देर के लिए श्री जी विश्राम कर रहे होते हैं। उस समय सुंदर सात बैठ करके श्री जी को कुछ परमधाम की अलौकिक वाणी गुनगुना करके विश्राम के समय में भी सुंदर सात ये सोचता है कि हम कुछ न कुछ लाभ लें। सुंदर सात भी बैठने के कि इच्छुक जो होता है आसपास में बैठे रहते हैं। तो उस समय अब थोड़ा विश्राम करने का समय हुआ, गर्मी के समय में कुछ शरीर में हल्का वस्त्र धारण करके विश्राम किया जाए, इसलिए जैसा मौसम रहता है उसी के अनुसार हल्का वस्त्र पहनाने के लिए कुछ प्रेमदास जी की ये सेवा होती है। तो जब श्री जी अपने आसन पर से उठ करके जहाँ विश्राम करने के लिए जाते हैं, चरना यानी ये कुछ शरीर में अंदर पहनने के जो नरम वस्त्र होते हैं ये लेके आते हैं। प्रेम दास पहनावन, प्रेम दास जी और नंदराम जी ये अपनी झोलियों में श्री जी के उस समय के वस्त्र लिए रहते हैं, तो ले करके उपस्थित हो जाते हैं। पीऊ पौड़े पलंग पर, श्री जी पलंग पर पौड़े हुए हैं, सैया सेवन को सन्मुख, सेवा करने वाले सुंदर साथ उस समय श्री जी के सन्मुख हाजिर हो जाते हैं। मीठी बात रसना सो करे, और धाम धनी जब किसी से बात करते हैं तो बहुत मीठी स्वर में बहुत मीठी ध्वनि प्रकट करते हैं। उनकी बातों को सुन करके सुंदर साथ उनके सारे संसारिक शारीरिक और अनेक प्रकार के दुख दुविधाएं दूर हो जाती हैं। देत निज धाम के सुख, और निज धाम के सुख, बातों में कौन से निज धाम के सुख होते हैं। श्री जी के द्वारा जो सुंदर सात को वचन कहे जाते हैं उससे एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है, एक अलौकिक संबंध का रस उसमें प्रभावित होता है जिससे सुंदर सात सुख की अनुभूति करता है। जी जी सिरे आगे धरे, एक जी जी नाम की सुंदर सात होती हैं, वो श्री जी के सामने अपना सिर कर देती हैं कि श्री जी मेरे सिर पर अपना बर्द हस्त रख के हमें आशीर्वाद दीजिए या
टपला मार करके हमें आशीर्वाद दीजिए, अपने वरदहस्त मेरे सिर पर रख दीजिए। श्री राज मारो टपले, कहते हैं कि धामधनी अपने हाथ से मेरे सिर पर टपला लगा करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। पौड़न बखत पलंग पर, जब श्री जी का पौड़ने का समय हुआ उस समय पलंग के चारों तरफ इन्हें समय आने पहुँचे, यहाँ सुंदर साथ आकर के पहुँचते हैं। इन समय राधा बाई जी आती हैं, श्री राज के पकड़े हाथ, श्री जी के हाथ पकड़ करके बैठाने की सेवा करती है, सिर को खुजलावने। हाँ, राधा बाई जी आती हैं, श्री जी के हाथ को सहलाती हैं और एक सुंदर साथ होते हैं वो श्री जी के सिर को खुजलाती हैं, सिर की तरफ बैठ करके बैठे सेज सेवा के साथ। ये सभी सुंदर साथ श्री जी के सेजिया के आसपास वही बैठते हैं जिनको सेवा की लालच होती है। माया राम जी जिनके पास एक झोली होती है, झोली में 36 पकेट होते हैं, अनेक प्रकार की छोटी मोटी सामग्रियों की आवश्यकता के समय में कहीं लेने के लिए भागना न पड़ जाए, हमेशा अपने पास रखते हैं। ये सोचते हैं कि हमारी सेवा ही यही है, जब हमें हर समय यही सेवा करनी है तो सोचते हैं कि सेवा की सामग्रियों को हम अपने साथ में क्यों न रखें। जहाँ भी जाते हैं झोली उनके पास, सोचते हैं कि फकीरों के पास तो झोली ही होती है तो ये झोली हम रख लेते हैं, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कपूर चाहिए, लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, सुई धागा इत्यादि चाहिए, कोकड़ी, जो कुछ भी छोटी मोटी सामग्रियों जिसको ढोने में आसानी भी हो, कोई वजन भी ना हो और सारा काम भी चलता रहे, हमेशा अपने पास रखते हैं। इनकी पहचान ही होती है कि मायाराम की झोली कहाँ है। सब लोग जानते हैं कि ये मायाराम जी ये झोली वाले हैं, इनके पास वो झोली रहती है जिसमें आवश्यक सामग्रियाँ रखी रहती है। वाणी सुनावत धाम, और जब फुर्सत मिलती है इनको बैठते हैं, झोली साथ में है लेकिन बैठ करके अब गुनगुनाने लगते हैं, वाणी सुनावत धाम, धाम की वाणी सुनाते हैं। श्री राज राजी होए के, धाम धनी इससे प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, श्री जी का स्वरूप साक्षात जागनी ब्रह्मांड में अक्षरतीत का स्वरूप है। आज सुंदरसाथ सोचता है कि मैं राज जी को कैसे रिझाऊं। उस समय सुंदरसाथ ने श्री जी को किस भाव से रिझाया। श्री जी आवेश स्वरूप वाले राज जी हैं जागनी ब्रह्मांड के, तो वही आवेश स्वरूप का मूल रूप ही तो मूल मिलाव में सिंहासन पर नूरी स्वरूप में विराजमान है। तो सुंदर साथ यदि वाणी पढ़ता है, वाणी मंथन करता है, तो समझ लीजिए कि हमारी अंतरात्मा राज्य से बात कर रही है। आप सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा की वाणी पढ़ते हैं, परिक्रमा पढ़ेंगे तो लगेगा कि हम 25 पक्ष की शोभा को देख रहे हैं। ये है कि जिस वाणी को हम पढ़ रहे हैं अंतरात्मा से भी उस शोभा को यदि हम देखने लग जाएं, तो लगेगा कि हम परम धाम की और उस सुंदर साथ को चर्चनी का भी ज्ञान हो। तो कई सुंदर साथ की तो सुरता लग जाती होगी बैठे बैठे, जैसे फूलबाग नूरबाग का वर्णन करते होंगे और उनको चर्चनी आती होगी, तो फूलबाग का दृश्य उनको सामने ही दिखने लगेगा, किस प्रकार से नूरबाग है, नूरबाग के ऊपर फूलबाग हैं, 10 बगीचों की 10 हारे हैं, लाल चबूतरा किस प्रकार से सामने अखाड़ों में पशु पंछी लीला करते हैं, लाल चबूतरे के ऊपर सखियों के साथ राजी बैठते हैं, तो उनकी सुरता तो वहाँ पहुँच ही जाती है। सागर श्रृंगार पढ़ते हैं तो लगेगा कि सामने राजी बैठे हैं और मैं उनके चरण कमल से शीश कमल तक को देख रही हूँ। तो इस वाणी के गाने से धनी प्रसन्न होते हैं, इस वाणी के सुनने से आगे छठे पहर सातवें पहर में जाके सुनेंगे कि इस वाणी के गाने से, श्रवण करने से और जिसको सुनने का लाभ मिलता है उससे क्या फल मिलने वाला है, ये भी आगे वर्णन करेंगे। सब पूरे मनोरथ काम, आत्माओं की सारी इच्छाएं ये तारतम वाणी ही पूरी करती है। ब्रज में आई सखियों की इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई, रास में भी देखा, फिर जागनी के ब्रह्मांड में आए। जागनी के ब्रह्मांड में ऐसा क्या कारण है जो ब्रह्म सृष्टियों की इच्छा पूरी हो रही है, जो ब्रज में नहीं थी हुई और रास में नहीं हुई। ब्रज रास में ये तारतम वाणी नहीं थी, माया के स्वरूप को हमने नहीं जाना, राज्य के स्वरूप को नहीं जाना और राज्य के नज़दीक होने के तरीके क्या हैं, ये तारतम वाणी के अभाव में
पता नहीं था। जब तारतम वाणी आई, धनी के चरणों में पहुँचे, सारा संसार जिसके साथ मेरा कुछ नाता नहीं है और जो मेरा अपना मूल घर है, मेरी आत्मा का मूल स्वरूप है, वो तो परम धाम में विराजमान है। जब इसको ये पता चल जाता है तो सुंदर साथी यहाँ बैठे बैठे श्री जी के सामने हाथ जोड़ करके यही निवेदन करेंगे, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। वाणी मेरे पीव की। अब जब श्री जी यहाँ बिस्तर पर लेट जाते हैं विश्राम करने के लिए, यहाँ 14 मंडलियाँ होती हैं और 14 मंडलियों के 14 प्रमुख होते हैं, और जिसकी पारी होती है, ऐसा ना हो कि किसी को गाना आता है तो वही हर समय श्री जी के आसपास मंडराता रहे और किसी को गाने का मौका न मिले, अवसर न मिले। सबकी भावनाओं का कदर करते हुए 14 मंडलियाँ बना दी गई। एक मंडली में कई कई सुंदर साथ होते हैं और एक मंडली का एक प्रमुख होता है, उसके निर्देशन में वो सारी मंडली कार्य करती है। अवसर मिलने पर सवेरे जिसकी पारी होती है वो आकर के गायन करते हैं, 9 बजे के समय में जिसको जिसकी पारी होती है अपने समय पर स्वयं आ जाते हैं, तीसरे पहर में अपनी पारी के सदस्यों को लेकर के मंडली के प्रमुख वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार से 8वें प्रहर में कहीं ना कहीं अवसर मिलने पर वाणी गायन या चौपाइयों को गा करके रिझाते हैं। तो ये वाणी गाने वाले जिनकी पारी होती है, इच्छा होती है, और जिनकी पारी नहीं होती वो बैठ करके सुनने के लिए भी आ करके चुपचाप होकर के बंगला जी के एक किनार पर बैठ जाता है। गावते अति रसाले। गाते कैसे हैं? जिस प्रकार की वाणी है आप घर में टीवी सीरियल इत्यादि देखते हैं तो उसमें जैसी स्क्रिप्ट होती है, उसका जैसा लेक्चर होता है, उसको प्रस्तुत करने वाला भी उसी प्रकार से प्रस्तुत करता है। जहाँ बहुत क्रोधित होकर के बोलना है, यदि कोई क्रोध कर रहा है तो उसके हाव भाव भी क्रोधपूर्ण होते हैं। जहाँ पीड़ित होता है, पीड़ित जो अपने हाव भाव को प्रकट करता है, अपने डायलॉग को प्रकट करता है, तो उसके हाव भाव भी उसी प्रकार के होते हैं। तो ये अक्षरातीत की वाणी क्या है? धनी को रिझाने वाली प्रेम की वाणी है। इसमें आशिक और मासूक का संवाद है। तो गाने वाले सुंदर साथ भी उसी भाव को प्रकट करते हैं, उनके शब्दों में उनके हृदय में वही भाव दिखते हैं जो वाणी हमें समझाना चाह रही होती है। सुनते सुख उपजे। इस अखंड वाणी को जो सुनता है उसको अनंत सुख उत्पन्न होता है। होते दिले खुशाले। और इसको सुनने के बाद हृदय प्रसन्न हो जाता है। आत्मा का हृदय अलग है, जीव का हृदय अलग है और शरीर का हृदय अलग है। शरीर का हृदय रोग ग्रसित हो सकता है, जीव का हृदय उसके अंतस्करण के विचारों से उत्प्रोत हो सकता है, और उस जीव के हृदय में उसके अंतस्करण में जो विचार होते हैं उसके जन्म जन्म के संस्कार उसमें होते हैं। लेकिन आत्मा का हृदय परात्म का प्रतिबिंब होने के कारण परात्म के दिल में जो भी भावना है वही भावना आत्मा के हृदय में भी है। तो आत्मा का हृदय और उसका विषय ये धनी के स्वरूप और उनका प्रेम है। जीव का हृदय और शरीर का हृदय ये अलग विषय है। ए बारी वाले गावही। ये बारी वाले जिनकी पारी होती है उसी समय आकर के अपने मधुर ध्वनि में गाते हैं। 8 प्रहर रात दीने। 8वें पहर में ये सवेरे के 6 बजे से लेकर के दूसरे दिन सवेरे 6 बजे का समय आता है तो 24 घंटे होते हैं, इसमें 8 प्रहर होते हैं। 8वें पहर में बंगला जी में कभी दीपक बुझता नहीं है, कभी सोता नजर नहीं आएगा। 10-20-50 तो जगे ही रहते हैं। कई सुंदर साथ 12 बजे सो जाते हैं, कई लोग उससे पहले सो जाते हैं, लेकिन 10-20-50-100 सुंदर साथ हमेशा जगे रहते हैं। बंगला जी में 12 घंटा रात्रि के दीपक जलता रहता है और कुछ न कुछ हलचल होती है, लेकिन सुंदर साथ इतनी मर्यादाओं का पालन अवश्य करता है कि जो सो रहे होते हैं उनकी नींद भी खराब न हो जाए, और जो बैठ करके परम धाम का आनंद लेना चाहता है वो ऐसे एक जगह कोने में बैठ करके या चर्चा की अर्चा करते हैं या वाणी गायन करते हैं या कुछ भी करते हैं,
सबकी सुख सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए और अपना भी कार्य हो जाए, इस प्रकार से अपनी सेवा में तल्लीन रहते हैं। यह नीति सुनत है, ये सुनने वाले इस समय आकर के बैठते हैं। जिनको गाना नहीं आता, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, सोचते हैं कि इस वाणी को सुन करके भी हम अपनी अंतरात्मा को खुराक पहुंचाएं, बैठ करके श्रवण करते हैं। खासे गिरह मुमीन, ये चौपाई क्यों लिखी जा रही है? ये उस समय वही बैठ करके सुनते हैं जो खास गिरोह मोमिन, ब्रह्मसृष्टियों में जो प्रमुख होते हैं, सिरदार होते हैं, 5000 की जमात में जो जिनका परमधाम का अंकुर है, वही बैठ करके इस वाणी का श्रवण कर सकते हैं। और आवत है बहुत, और सुनने वाले तो बहुत आते हैं। मड़े फिरत दो कान, मड़े फिरत दो कान, भले प्रवचन हो रहे हैं, चर्चा हो रही है, वाणी गाया जा रहा है, लेकिन इनके कानों में ये शब्द टकराते हैं और वापस लौट जाते हैं। मड़े फिरत कान, जैसे कि इनके कानों को मड़ दिया गया है, यानी ऊपर से कुछ ढक दिया गया है ताकि ये शब्द इनके अंदर जा ही नहीं रहे, क्योंकि भले वहाँ घूम रहे हैं तो क्या हुआ, इनका मन सांसारिक विषयों में लगा हुआ है, या तो किसी की निंदा चुगली करने में लगा रहता है, या फिर किसी सौंदर्यता को देखने में लगा रहता है, या सोचते हैं कि हम तो दर्शन करने के लिए आए, दर्शन कर लेंगे, या उपस्थित होने के लिए आए हैं, लेकिन अंतरात्मा के अंदर ये गरज नहीं है कि ये ब्रह्मवाणी मेरी आत्मा को क्या लाभ पहुंचाने वाली, हमें कहाँ पहुंचाने वाली, किसका दिग्दर्शन कराने वाली है, इसका भेद न तो समझ पाते हैं और न ही ग्रहण कर पाते हैं। तो इनके लिए कहा गया मड़े फिरत है कान, बिना अंकुरे क्या करे। इस वाणी को सुनने के लिए आपको अंकुर चाहिए, बिना अंकुर के क्या करेंगे, बिना अंकुर क्या करे, लिखा नहीं ताले में है, जिसके नसीब में लिखा नहीं है तो वो सुन नहीं सकता। कहा गया है इस ब्रह्मवाणी को इस संसार में एक तो कहने वाला कोई मिलेगा नहीं, अगर कहने वाला कोई मिल गया तो सुनने वाला नहीं मिलता, अगर सुनने वाला मिल गया तो सुनने वालों में से कोई बिरला एक आध ऐसा होगा जो वाणी आपको जो लाभ पहुंचा रही है उसकी अंतरात्मा तक वो लाभ पहुंच जाए, वहां तक पहुंचाए कोई, वो बिरला एक आध कोई होगा, और वही निस्बती होगा, वही धनी का प्रिय होगा, जिसका हाथ धनी ने पकड़ा होगा, या जिसने अपने हाथ को धनी के चरणों में समर्पित किया होगा। पावे ना सुख सुभाने, जब सुनेंगे नहीं तो उनको अखंड का सुख कैसे मिलेगा, जब अखंड सुख नहीं मिलेगा तो शारीरिक इंद्रियजन्य और प्रकृति के अंदर के सुखों को ही वो अपना आत्मा का सुख मान लेते हैं या आध्यात्मिक सुख मान लेते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि वास्तविक अध्यात्म का सुख क्या होता है, क्योंकि वहाँ तक तो ये कभी पहुँचे ही नहीं। ना तो बुरा ने चाहे कोई आपको, इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है ये न चाहता होगा कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति न हो, मुझे स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति न हो, कोई संसार का जीव ऐसा न होगा। कसाई भी होगा तो ये सोचेगा कि मैं किसी प्राणी का गला काटता हूँ तो क्या हुआ, मैं पैसा लेता हूँ, परिश्रम करता हूँ, खरीद करके लाता हूँ और काट पीट करके बेचता हूँ, तो मैं भी परिश्रम करता हूँ, परिश्रम का कुछ हिस्सा मैं रख लूँ, लेकिन किसी को कम न दूँ, वो तौल के तो ज़रूर देता है, लेकिन उस मूर्ख को ये क्या पता कि मैं जिसका गला काट रहा हूँ उसमें मुझे, जिसको मैंने अपना व्यवसाय बना लिया है उससे मुझे क्या फल मिलने वाला है, और जिस उद्देश्य से मुझे मानव शरीर मिला है उसको इस मानव शरीर के प्राप्त होने की सार्थकता का कोई पता ही नहीं होता। अन्यथा कोई भी अपने को बुरा तो नहीं चाहता, लेकिन मारत है तकसीर, उसके कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही वो कर्म उसको ले डूबता है। पर ना सुनने की ताकत, बेचारा करे क्या जिसको सुनने की ताकत नहीं है। एक जगह लिखा है यह वाणी सुनने की ताकत त्रिगुण के पास न होए। और आपने अमर कथा सुनी होगी, अमर कथा शिव जी ने सुनाया पार्वती जी को, तो उनको नींद आई थी, तो शंकर भगवान तो इस सृष्टि के बड़े योगी हैं, और उनकी अर्धांगिनी जब पार्वती जी, शंकर भगवान पार्वती को नहीं सुना सके और वो नहीं सुन सकी, नींद आई, तो संसार के सामान्य लोगों की क्या सामर्थ्य है
जिस पर धाम धनी की असीम कृपा हो वही माया के पर्दों को उठा करके धनी को देख सकता है, वही माया के पर्दे को उठा करके इस अखंड वाणी का रस प्राप्त कर सकता है। अन्यथा आज हमारे समाज में लाखों में नहीं अब तो लगभग करोड़ों में सुंदर साथ की संख्या हो रही होगी, लेकिन कई ऐसे भी सुंदर साथ होंगे इनमें से ये भी पता नहीं होगा कि तारतम वाणी में कितनी किताब है। पूछो तो कह देंगे कि हाँ वो तो एक ही बड़ी बड़ी ठेली किताब है, उसमें कितने परसेंट 20-30% लोगों ने तो तारतम वाणी के दर्शन नहीं किए होंगे, उनके घर में नहीं होंगे। और जिसके घर में होंगे भी तो घर में तो क्या, मैं एक मंदिर की बात बताता हूँ, मैंने खुद देखा। मंदिर बहुत पुराना हो चुका था, उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, तो सुंदर साथ ने सोचा कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। जीर्णोद्धार करने की बात आई तो गांव वालों को उकसा दिया, कहने कि ये तो हमारा पुराना मंदिर है, ये अन्य धर्म वाले आकर के हमारे मंदिर में हस्तक्षेप करके इसको बड़ा करना चाहते हैं और अपने कब्जे में करना चाहते हैं। तो उस मंदिर की एक बुढ़िया माता होती है पुजारण, वो कहती हैं तुम आपस में लड़ते हो, लेकिन जिस मंदिर में जिसका स्वरूप पधरा करके सेवा हो रही है उसके स्वरूप की क्या स्थिति है तुमने कभी देखा है? तुम दोनों पक्ष यहाँ सामने हो जाओ, मैं तुम्हें ये दर्शन कराती हूँ। उन्होंने स्वरूप साहब बाहर निकाल के दिखाया तो स्वरूप साहब के पन्ने के सारे पत्ते पत्ते अलग हो गए थे। यदि आप एक एक पत्ते को उलटना भी चाहो तो जितने दो उंगलियों से पकड़ते उतना ही हाथ में आता, बाकी पत्ता हाथ में नहीं आता। ये स्थिति हो गई थी और सुंदर साथ को पता नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है और उसकी क्या स्थिति है। वो बारिश के पानी चू चू करके और उसकी सेवा न होने से न जाने किस परमहंस ने या किस सुंदर साथ ने ला करके उस वाणी को पधराई होगी मंदिर में। कई साल हुए होंगे, कई दशक हुए होंगे, उस मंदिर में वाणी को बाहर निकाल करके देखा ही नहीं। तो मंदिर में ऐसी स्थिति है तो घरों में क्या स्थिति होगी? 50% लोगों ने तो तारतम वाणी को पढ़ी ही नहीं होगी और जिन्होंने पढ़ी होगी उसमें से 10% लोगों को समझ में आती होगी। बाकी चौपाइयों को पढ़ते हैं लेकिन जो चौपाइयाँ हमें निर्देशन करती है उसके उल्टे ही कार्य कर रहे होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? बिना अंकुरे क्या करे लिखिया नहीं ताले माए। त्रिगुण के पास ये समझने की क्षमता नहीं है तो भला संसार का सामान्य जीव जिसने कुछ भी नहीं किया, केवल संजोग बस उसको तारतम ज्ञान के परिवार में आना हुआ, तो केवल संजोग से तो जीव कवि भवसागर से पार नहीं हो सकता और न आत्मा ही जागृत हो सकती है। लज्जत तिनको ना आवही। और ऐसे लोगों को जिसको वाणी की कीमत का कुछ पता नहीं है, स्वरूप की कीमत का कोई पता नहीं है, मानव तन की उपलब्ध होना मनुष्य के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है इसके बारे में कुछ अता पता ही नहीं है तो उसको इसका लाभ भी कभी मिल नहीं सकता। तो क्यों कर बैठे तीते। जब संसार तो व्यापार करता है, हम परमात्मा के सामने भी व्यापारी ही बनते हैं। कहते हैं कि अगर कोई आपत्ति आ गई तब भी कहते हैं कि हम कुछ कर देंगे, एक पाठ कर देंगे या सुंदर साथ को भोजन कर देंगे या मंदिर में एक भंडारा कर देंगे, लेकिन जो हमारा 1,00,000,000 रुपए का नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। या हमें कोई शारीरिक रूप से दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो कहते हैं कि हम पाठ रख देंगे, मंदिर में पाठ रख लेंगे, सुंदर साथ को बुला लेंगे, किसी साधु संत को बुला करके पाठ करवा लेंगे। ऐसा सुंदर साथ बहुत कम होगा कि राजी मेरी चितवनी नहीं लगती, चितवनी लग जाए मेरी सद्बुद्धि फिर जाए इसीलिए कोई घर में पाठ कराता होगा, ऐसा हमने तो नहीं सुना है। लेकिन हम किसी न किसी रूप में संसारी ख्वाहिश के लिए कि हमारे घर में शादी विवाह हो रहा है तो हम राज जी को याद करेंगे, देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, इसकी अपेक्षा हम राज जी की पाठ करेंगे, इतना तो कर लेते हैं। लेकिन हमें राज जी के दर्शन हो जाए, हमारी तारतम वाणी का उजाला हमारी अंतरात्मा को प्रकाशित करें और मेरी आत्मा जागृत होकर के मूल मिलावे को देखे, अपने धनी को देखे, इस उद्देश्य से पाठ करने वाले या इस प्रकार की प्रार्थना राज्य से करने वाले कुछ एक लोग होंगे जो उंगलियों में गिने जा सकते होंगे, अन्यथा हर कोई ऐसा कर सकता नहीं है। ताबे रहे शैतान के। क्योंकि संसार का हर मानव हर जीव
मायावी दुनिया के अंदर है, और मायावी दुनिया के अंदर जो जीव कार्य करता है, माया सब अपने अधीन में रख करके उन जीवों को कार्य कराती है। जो समुद्र के अंदर डूबा हुआ है वो तो डूबा ही है, जो उससे बाहर निकलने की चेष्टा करता है मगरमच्छ उसको ही तो खींचता है। मेरा कहने का भाव ये है, जो माया में अकंठ डूबा हुआ है उसको माया कुछ भी नहीं करेगी, क्यों, वो तो जानती है कि तो मेरे बस में ही है। लेकिन जो इस माया के संसार से जो सांस भी लेना चाहेगा, अपने नाक को बाहर निकालना चाहेगा यदि, तो माया सोचती है कि ये तो नाक बाहर निकाल करके इस मायावी दुनिया से कुछ और सोचने लगा है, इसको माया में डुबाना चाहिए, तो माया उसके लिए हर संभव प्रयास करती है। तो यहाँ लिखा है, ऐसे लोगों के सिर पर हर हमेशा माया सवार रहती है, जो अपना सिर उठाना चाहे तो उसके सिर पर बैठ करके माया खुद इस सागर में डुबोती है। सो वाणी सिफायत की, अब ये तारतम वाणी है, ये सिफायत करती है यानी ब्रह्मात्माओं को धनी के चरणों तक पहुंचाती है, और जिसने इस वाणी को पढ़ा, अपने धनी को प्राप्त करने की कोशिश की, उसको आखिरत के समय में हक की सूरत जो श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप होगा, ये उस समय ये साक्षी देंगे या ब्रह्मसृष्टियाँ ये साक्षी देंगी कि धाम धनी की वाणी को पढ़ करके इसने माया से परे होकर के अपने धनी को पाने की इन्होंने भरपूर कोशिश की है, ये सिफायत है। किने वास्ते उतरी, जिनके लिए वाणी उतरी है, हक मेहरे करत है, धाम धनी की मेहर से जिनके लिए वाणी उतरी उनके हृदय में इस ज्ञान का प्रकाश अवश्य होगा धनी की मेहर से। सो मोमिनो दिले धारी, ब्रह्म सृष्टियां इसको अपने दिल में धारण करेंगी। पांचों चीजें बका से, इन ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते ही धाम धनी ने पांच चीज अखंड परम धाम से या योग माया के ब्रह्मांड से जो जहाँ स्थित है, जागनी में ब्रह्मात्माओं को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो ले करके इस जागनी ब्रह्मांड में आए हैं। जब्राइल जोश धनी का, पहला क्या है, जब्राइल, जब्राइल फरिश्ता जोश का फरिश्ता है। ये जब्राइल फरिश्ता क्यों ब्रह्म सृष्टियों के लिए आवश्यक है, जब वाणी उतरती है तो जब्राइल फरिश्ता की जरूरत है, असराफिल फरिश्ता की ज़रूरत है। सुंदर साहब सोचते हैं कि जब्राइल की ज़रूरत क्या है, यदि आपके अंदर प्रेम का जोश न हो, तारतम वाणी को पढ़ने समझने का ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रकार की अंदर से तीव्रता न हो, इसी को जोश कहते हैं। अगर प्रेम का जोश न हो, एक प्रकार का नशा न हो कि मुझे सवेरे उठ करके मुझे अपने धनी को देखना है, तो कौन चाहेगा कि अपने बिस्तरे को छोड़ करके, अपने सुख आराम सवेरे की चैन की नींद को छोड़ करके 4 बजे अपनी नींद खराब करें, ना धो करके बिस्तरे में बैठ करके ध्यान करें। जिसके अंदर जोश होगा प्रेम का वही तो कर सकता है, और जिसके अंदर माया का जोश होगा वो माया की नींद में सो करके भी उसे चैन मिलता है, और जो रात्रि के 3 बजे 4 बजे उठ करके धनी के प्रेम में डूबता है उसको लगता है कि आज मुझे बहुत देरी हो गई है, फिर भी उसके अंदर चैन नहीं है, इसको कहते हैं जोश। किसी को ज्ञान का जोश मिलता है, किसी को प्रेम का जोश मिलता है, तो किसी को सेवा का जोश मिलता है। आप यहाँ आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, किस लिए आते हैं, आप अपने घरों में सुखपूर्वक भी रह सकते हैं, लेकिन एक प्रकार का लगाव है, अंतरात्मा अंदर से बेचैन हो उठती नहीं। 365 दिनों में कुछ ऐसे ही दिन हैं जहाँ जा करके हमें आत्मा की खुराक मिलती है, बाकी तो 24 घंटे 12 महीने हम संसार में कोल्लू की बैल की तरह माया में पिसते ही तो रहते हैं। ऐसा करते करते ही तो हमारी उम्र निकल गई है। कुछ समय तो हम धनी की चर्चा सुन लें, कुछ सेवा कर लें, कुछ आत्मिक आनंद बटोर लें, ये भी एक जोश है। तो ये जब्राइल जोश धनी का, असराफिल जागृत बुद्धि का फरिश्ता, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश न हो, ज्ञान ही गुरु होता है और वही हमारा मार्गदर्शन करता है। यदि हमारे अंदर सच्चे ज्ञान का प्रकाश न हो तो हम कभी भी सतमार्ग के अनुगामी नहीं हो सकते। इसीलिए जब्राइल असराफिल भेज दिए दो अमर, निगेह बानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। इस प्रकार ये दोनों फरिश्ते
ब्रह्म सृष्टियों के, ये हमेशा वकालत करते रहते हैं। करते सदा रोशने, असराफिल फरिश्ता ज्ञान का प्रकाश करता रहता है। करनाई फुकन को, धाम धनी ने जो अखंड वाणी दी है, ये जबराइल असराफिल फरिश्ता पीठ कुबड़ी करके टेढ़ा हो करके हर समय तैयार रहता है कि कब धनी का हमें आदेश मिल जाए। इस ब्रह्मवाणी की गूंज को हम संसार में इतना फैला दें ताकि त्रिदेव तक पहुंच जाए, विष्णु तक पहुंच जाए, नारायण तक पहुंच जाए और ये अपने मूल तक पहुंचे, सारे संसार के जीव को आठ भस्तों में अखंड मुक्ति मिल जाए। धनी का आदेश कब हो, उस आदेश को तुरंत पालन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार अवस्था में होने के कारण पीठ टेढ़ी यानी कुबड़ी करके असराफिल फरिश्ता इंतजार कर रहा है धनी के आदेश का। और हुक्म आया हक का, धाम धनी का हुक्म, मूल स्वरूप की इच्छा शक्ति जो आवेश स्वरूप में काम कर रही है वही हुक्म का स्वरूप है। ऊपर करने काम, ये किस लिए आया है, ब्रह्म सृष्टियों के कार्य करने के लिए। जब देवचंद्र जी के हृदय में धाम धनी विराजमान हुए तो उन्होंने क्या कहा था, हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, ब्रह्म सृष्टियों को अपने घर तक ले जाना, इस माया से छुड़ाना ही मेरा मूल कार्य है, मैं इसीलिए ही आया हूँ। मोमिन को खेल दिखाए के, ब्रह्म सृष्टियों को इस माया का खेल दिखा करके पहुँचावे वतन निज धाम, अपने निज धाम अपने मूल मुकाम पर आत्म तक पहुँचाएंगे। उत्तरी रूहे अरस अजीम से, ब्रह्म सृष्टियां परम धाम से उत्तरित हुई, ए शामिल है पांचों, इनके साथ ये पांच चीज शामिल है, एक कारज होवे इनसे, ये पांच चीज हैं जबराइल असराफिल धनी का हुक्म और तारतम वाणी के साथ में अक्षरतीत का आवेश स्वरूप ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए संसार में अवतरित हुआ है। एक ठोर हो एक, और ये पांचों चीज जब एकत्रित हुई तो ये महामती की शोभा इंद्रावती जी को मिली। अब छठे दिन में लालदास जी को ये महामती की शोभा मिली है। पैगाम जो उतरे, धाम धनी का जो आदेश इस संसार में संदेश के रूप में आया, सो वास्ते मोमिने के, ये सब ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते आया है। सब गवाही देवे इनकी, सबको प्रमाण देने के लिए, क्योंकि सबके अंदर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि का अंकुर नहीं है। छत्रसाल जी के अंदर परमधाम का अंकुर है, उन्होंने एक भी प्रमाण नहीं मांगा, लेकिन बलदीवान जी हैं, उनको हर जगह प्रमाण की आवश्यकता है। इसीलिए कभी तो मौलवी को बुलाते हैं, कभी सुंदर बल्लभ बद्री जैसे दिग्विजय पंडित को बुलाते हैं, कभी शास्त्रों का प्रमाण मांगते हैं। ये संसार ऐसे मानने वाला नहीं है। जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, मुकुंददास जी की आत्मा हर कोई नहीं बन सकते। मुकुंददास जी को मलियाबाद में कहा जाता है कि मलियाबाद में एक दिन वो गाय चराने के लिए गए थे, उनके घर प्राणनाथ जी स्वयं पहुँचते हैं, पूछते हैं कि मुकुंददास कहाँ पर है। उनके घर वालों ने बोल दिया कि मुकुंददास तो गाय चराने के लिए गया है। जब मुकुंददास आए तो बोल देना कि परना जी से प्राणनाथ जी तुम्हें बुलाने के लिए आए थे। जैसे संध्या को मुकुंददास जी अपने घर आए, घर वालों ने कह दिया कि एक प्राणनाथ जी आए थे, कह रहे थे पन्ना से आए हैं, मुकुंददास को बुलाने के लिए आए हैं। मुकुंददास जी ने नहीं सोचा कि कौन थे, कहाँ से आए, कैसे थे, कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि अंदर से उनके हृदय में राजजी स्वयं प्रेरणा दे रहे हैं। गाय कहाँ बांधना नहीं बांधना उनको ये कुछ पता नहीं। अच्छा, मुझे प्राणनाथ जी बुलाने के लिए आए थे। हाँ, घर से यूं ही निकल पड़े, न तो पानी पूछा, न तो भोजन के लिए कुछ सोचा समझा, घर से निकल चलते हैं। उनको पता नहीं कि पन्ना जी कहाँ पर है, क्योंकि उस समय बस गाड़ियाँ होती नहीं थी। आप लखनऊ से पन्ना जाएंगे तो कितना दूर है, पता ही नहीं किसी को पन्ना कहाँ है। मुकुंददास से निकल पड़े, अब उनको ये पता नहीं कि पन्ना कहाँ है, लेकिन अंदर से प्रेरणा हुई। और जिसको खोजने के लिए निकला, खोजने के लिए क्या निकला, मुकुंददास जी को खोजने के लिए धाम धनी स्वयं पन्ना जी से लखनऊ तक आए, मलियाबाद तक आए। रास्ते में मिलते हैं, पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। कहते हैं पन्ना जी से प्राणनाथ जी बुलाने के लिए आए थे, मैं जा रहा हूँ।
पन्ना जी का है तुम्हें पता है? कहते कि ये तो पता नहीं, हमने पूछा नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम अपनी दोनों आँख बंद करो, जब तक मैं ना कहूँ तो नहीं खोलना। दोनों आँख बंद करते हैं और थोड़ी देर में जब खोलने का इशारा मिलता है, दोनों आँखें खोलते हैं तो कहा जाता है कि वो बंगला जी के गुम्मट जी के सामने खड़े थे। तो ये किसकी कृपा है? धाम धनी अपनी आत्माओं को न जाने कहाँ कहाँ से खोज खोज करके निकालते हैं, उनके घरों में जाते हैं खुद बुलाने के लिए। इनके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि प्राणनाथ जी कौन है, हमारे आत्मा के प्रियतम हैं, साकार हैं या निराकार हैं। संसार के लोग तो उनको मानते नहीं, उनको जानते नहीं हैं, और इनके लिए क्या प्रमाण है? अंतरात्मा की यदि संतुष्टि जहाँ पर है तो उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं हुआ करती है, लेकिन संसार के लोगों को प्रमाण देने के लिए ज़रूरत है। राह जो इस्लाम की, जो एक सत्य का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, पावे सब खलक, इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा सारी दुनिया को प्राप्त होगी। मेहर बड़ी जो उतरी, धाम धनी की इतनी बड़ी कृपा के द्वारा ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ। सो भेजी इन वास्ते हाके, इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही इनके जरिया सारा संसार को मिल जाए, धाम धनी ने इनके लिए भेजा। इसीलिए कहा कि सृष्टि तो अनंत काल से बनती, अनादि काल से बनती रही है और अनंत काल तक बनती मिटती रहेगी। अक्षर ब्रह्म बनाते रहेंगे और ये दुनिया बनती और मिटती रहेगी, लेकिन जो ब्रह्मलीला अब हुई है ये न कभी हुई थी और न कभी भविष्य में होगी। तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्मलीला भई, ब्रजरास और जागनी कही, और इस जागनी के ब्रह्मांड में तारतम वाणी क्यों आई? ये कह दिया, न कहवाए माया माहे आबाणी, पण साथ माटे कहवाणी। तुम सुंदर साथ के वास्ते इसकी आवश्यकता समझ करके मैंने कहा, और जो सुंदर साथ इस वाणी को अपने जीवन में आवश्यकता नहीं समझता तो समझ लेना चाहिए कि उसको न तो मूल मिलाव की आवश्यकता है, न अपने परात्म की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य यही बनता कि उनका मूल अंकुर यानी उनकी सुरता परम धाम से आई होगी नहीं, इसलिए वो कभी परात्म की चाहत नहीं करती होगी। और बातें केती कहो, और भी बहुत सारी बातें हैं। सब हुआ इने वास्ते, और इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही हुआ है। सो तुम जाहिर देखोगे, अब आप प्रत्यक्ष रूप से देखोगे, दिल अपनी नजर से, अपनी नजर से आप ये देखोगे। इस प्रकार से तीसरे पहर में अखंड वाणी को गाया जाता है और इस वाणी की महिमा को यहाँ दर्शाया गया। अब यहाँ से आगे चौथा प्रहर शुरू होता है। अब तीन बजे से शाम के 6 बजे तक दिन का चौथा और अंतिम प्रहर होता है। उसमें परनाजी में क्या कुछ होता है? श्रीजी अपने बिस्तरे से सेज्या से उठते हैं, सुंदर साथ श्रीजी की सेवा में तैयार होते हैं। श्रीजी उठ करके अब परमधाम की ध्यान चितवनी कराएंगे चौथे प्रहर में। तो इस प्रसंग को आप श्रवण करेंगे। अब कहो पोहरे चौथा की, अब चौथे पहर के प्रसंग को सुनिए। बीतक जो शयान, जो ब्रह्म सृष्टियों के साथ हुई उस बीतक को सुनिए। सो दिल के कानों सुनियो, बाहर के कानों से सुनेंगे तो शब्द लौट करके वापस चले जाएंगे, अंतरात्मा तक नहीं पहुंचेगी। कलश की वाणी कहती है, ए रस श्रवणे जहने झरे, तेणे सू करे जहर। इन तारतम वाणी के शब्दों को जो अपने श्रवण रूपी द्वार से प्रवेश कराएंगे और जिनके हृदय में शब्द प्रवेश करते हैं, तेणे सू करे जहर, उसको माया का नशा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन जिनके कानों में टकरा करके आप वापस आवाज़ लौट जाती है, शब्द लौटते हैं, उसके हृदय में चोट नहीं करते, हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तो माया किसी भी प्रकार से छूट नहीं सकती और उनका अज्ञानता का अंधकार दूर होकर के ज्ञान के प्रकाश में धनी की पहचान कभी हो नहीं सकती। करत हो रोशन, इसीलिए मैं इस ज्ञान का प्रकाश कर रहा हूँ। इत एक पहर पिहु पौड़त, श्री जी एक पहर तक बंगला जी में पौड़ते हैं। आए सेवन को सब साथ, अब सभी सुंदर साथ सेवा के आके खड़े हो गए। जल लोटा भरे ले आया, छबिल दास जी जल का लोटा भर के ले आते हैं।
छबिले दास अपने हाथ अपने हाथ से ये जमुना जी के बेटे हैं श्री जी को जल पिलाने की सेवा करते हैं। श्री राज कोगला करत श्री जी कोगला करते हैं पिगदान में डालते हैं। कल आपने सुना शंकर हजूरी हैं ये पिगदान अपने हाथ में रखे रहते हैं। श्री जी इस समय कुछ देख क्रिया के लिए आसपास में जहाँ भी जो व्यवस्था होती है उसके अनुसार वहाँ चले जाते हैं। पांवड़े बिछाए जाते हैं सुंदर साथ उस पर श्री जी चल करके आते हैं। लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए श्री जी अब आकर के तखत पर विराजमान हो जाते हैं। इति तखत के गोफने और यहाँ जो तखत रखा गया है उसमें चारों तरफ गोफने लटक रहे हैं। बाधत मानक इसे ठाम ये मानक भाई की सेवा होती है ये गोफने बांधने की सेवा करते हैं। दोए लाल बाई बाधत और लाल बाई भी इसको बांधने की सेवा करती है। एक बाधत घन श्याम और घन श्याम जी ये भी ये गोफने बांधने की सेवा करते हैं। तखत साज सोने रुपए का श्री जी को बैठाने के लिए जिस तखत को तैयार किया गया है उसमें कई प्रकार की सोने और रुपए यानी चांदी इत्यादि की सामग्रियां प्रयोग की जाती है। उसको बहुत संभार के थैलियों में सुंदर साथ रखते हैं झोलियों में। जब लाने का वक्त होता है तो एक बड़ी रुपए की थाली में उन सभी सामग्रियों को सजा करके ऊपर से रुमाल ओढ़ा करके लाया जाता है। राखत है बुधसेन ये बुधसेन भाई की सेवा होती है विशेष रूप से। सब सेवा में ठाड़ा रहे ये सभी सेवाओं में तत्पर रहते हैं। आवे जाए लेने देने और बाकी बाजारों में कई सारे सामान का लेन देन खरीद बिक्री करने की जरूरत होती है तो इसमें भी बुधसेन भाई सबसे आगे रहते हैं। लटके मटके राज चल के धामधनी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी लटकनी मटकनी चाल से बहुत मस्ती भरी चाल होती है। जिसके हृदय में किसी प्रकार का संसार हमेशा दुखदायी है संसार दुख देता रहता है लेकिन आप कौन हैं सदा सत सुख के दातार आप सबको सुख देने वाले हैं। आपके हृदय में अथाह सुख शांति प्रेम आनंद भरा हुआ है तो उनके हृदय में भरे हुए सुख शांति प्रेम आनंद को श्री जी की वाणी उनकी चाल ढाल और उनके हाव भाव से पता चलता है कि इनके अंदर कितनी अध्यात्म की कितनी मस्ती है। सुंदर साथ उनके पास में बैठता है तो सब प्रकार के दुख दुविधाओं को भूल जाता है। आए बिराजे तखत श्री जी आकर के तखत पर विराजमान हुए। केशव शंकर ले खड़े केशव शंकर ये दोनों हजूरी हैं। हजूरी यानी हर हमेशा श्री जी की परछाई बन करके हाथ में मूर्छल लिए रहते हैं और हमेशा बिजना करते रहते हैं। पिछला बाकी दिने अब दिन का दिन की पिछली घड़ी यानी दिन का अंतिम प्रहर है कुछ घड़ी समय बाकी रह जाता है। रया घड़ी चार घड़ी समय दिन के अंतिम घड़ियों में चार घड़ी बाकी समय होता है। एक घड़ी में 22.5 मिनट चार घड़ी में 90 मिनट यानी 1.5 घंटा समय 4:30 बजे का समय हो गया संध्या का। धाम वतन चलन की अब सुंदर साथ बंगला जी में चारों तरफ बैठे हुए हैं अपनी झोंपड़ियों से उठ करके आए हैं। श्री जी के सामने सब बैठ करके सोचते हैं कि इसी समय तो हमारी सुरता इस कालमय के ब्रह्मांड में आई थी अब हमें अपने मूल घर को अपने मूल संबंध को अपने धनी की याद करने का समय आ गया। हमारे जीव ने जन्म जन्म से इस संसार का संग किया है वो संस्कार इसके अंदर है लेकिन हमारी आत्मा ने अनादि काल से प्रियतम की शोभा को देखा है। यदि जीव अपने स्वरूप शोभा को अपने विषय को नहीं छोड़ सकते तो हम आत्माओं का विषय है धनी का प्रेम धनी का स्वरूप हम क्यों भूलें। हम अपनी गरिमा को नहीं भूलना चाहेंगे। संध्या का समय हुआ तो सुंदर साथ अब सोचता है कि हमें अपनी सुरता को अपने धनी के चरणों में लगाने का वक्त हो गया। श्री महाराजा आवत श्री महाराजा छत्रसाल जी अब यहाँ पहुँचे हैं। सब सेवा में शामिल ये सभी प्रकार की सेवाओं में सम्मिलित होते हैं ये कभी नहीं सोचते कि मैं तो महाराज हूँ। श्री जी ने मुझे महाराज की उपाधि दी सब सुंदर साथ ने मुझे महाराज करके प्रणाम किया है तो हम सबके सर्वोपरि हो करके रहें और सबसे हम सेवा करवाते रहें ये नहीं सोचते। सोचते हैं कि धनी मेरे घर आए हैं इन सुंदर साथ ने इतनी सेवा की कोई
जूनागढ़ से हैं, कोई दीप बंदर से हैं, कोई पोरबंदर से हैं, कोई ठट्ठा नगर से हैं, कोई अवासी बंदर से हैं, कोई सूरत से हैं, अपने घर द्वार छोड़ करके आए हैं, कोई परिवार को साथ ले करके आए हैं, दुख सुख को नहीं देखता, केवल धनी की सेवा में हर हमेशा आगे बढ़ता है। तो मेरे अपने घर में आए धनी की सेवा करने के लिए मेरी कैसी साहेबी, मेरी साहेबी तो उसी में है यदि मैं एक अर्धांगिनी बन करके अपने धनी की सेवा को मैं निभा सकूं, तो इससे बड़ी मेरी और कोई इज्जत नहीं है। इसीलिए सेवा ही मेरा परम धर्म है, ये सोच करके छत्रसाल जी हर हमेशा आठों पहर की सेवा में ये हमेशा तैयार मिलते हैं। अत स्नेह सो सेवा करे, स्नेह सो सेवा करते हैं, सेवा भी कैसे करते हैं, प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। पाक दिल निर्मल, हृदय में पाक है, पवित्रता है, किसी प्रकार से छल कपट नहीं है, दिखाओ की भावना भी नहीं है कि हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। कोई हमें ये कह दे कि बहुत सेवा करते हैं, प्रशंसा के लिए भी नहीं करते हैं, वो तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। पाक दिल है, हृदय में स्पष्टता है, प्रेम भावना है, और सेवा करने में उनको संतुष्टि मिलती है। जो सेवा सा कुंडल करी, जो छत्रसाल जी ने सेवा करी है, अपने तन मन धन, तन से मन से और धन से, तीनों प्रवृत्तियों से इन्होंने सेवा की। अपना तन धन सोपिया, धनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पण किया। तो कहया अमीरुल मोमीन, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा छत्रसाल जू की जय। तन मन धन सोपिया, इन्होंने जो सेवा की है उनकी सेवा के वजह से ही उनको अमीरुल मोमिनीन कहा। परम धाम में सभी ब्रह्मात्माएं बराबर संबंध रखती हैं, जागनी ब्रह्मांड में सबका संबंध धनी के साथ बराबर है, लेकिन छत्रसाल जी ने, लालदास जी ने जो सेवा करके श्री जी के दिल को जीता है, उन्होंने कहा भले परमधाम में तुम परातम से बराबर हो, कोई ऊपर नीचे नहीं, संबंध से निस्मत से जागनी के ब्रह्मांड में तुम बराबर हो, कोई छोटे बड़े नहीं हो, लेकिन तुमने जो जागनी ब्रह्मांड में सेवा करके धनी को रिझाया है वो अन्य कोई नहीं कर पाया, इसीलिए तुम सबके सिरताज जो शिरोमणि हो, उनको अमीरुल मोमिनीन की खिताब बख्शी। अरस की निमाजिका, अब सुंदर साथ सोचते हैं कि हमें परमधाम में अपनी सुरता को केंद्रित करने का और धनी के चरणों में ध्यान करने का समय आया है, कुछ देर तो कम से कम संसार में रह करके हम अपने धनी को पुकारें। आत्मा की दृष्टि से इस शरीर संसार प्रकृति के सौंदर्यता और दुख सुख से परे उस अखंड अविनाशी परब्रह्म के नूरी स्वरूप को देखें, जिस स्वरूप के साथ हमारी परातम अनादिकाल से अनंत काल तक प्रेम और आनंद की लीला करती है, हम उस परब्रह्म के स्वरूप को क्यों न देखें। ये समय यहाँ मिला है, संसार के कितने महापुरुषों ने हजारों सैकड़ों वर्ष की समाधियां लगाई, उनको ये नसीब नहीं हुआ, कभी नहीं जान सके कि निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, इतना नहीं कह सके। श्रीराज श्री ठकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान भाई, इतना नहीं कह सके। केसरिया रंग की इजार, इतना नहीं कह सके। सब ये कहते रहे वो तो साकार है, वो निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं, बेचून बेचगुन बेनमून बेसभी, उसकी कोई सूरत ही नहीं है। और जिनको सूरत मिल गई है वो कहते हैं कि राज्य को देखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, कहते हैं कि राज्य को कोई देख नहीं सकता, भाव सिंह की मृत्यु हो गई थी। अरे भाई, सदगुरु की जीवनी आपने नहीं पढ़ा है, देवचंद्र जी सुंदर साथ की जागनी के दौरान परमधाम की ध्यान चितवनी कैसे कराते थे। अष्टपहर की बीतक हमें कह रहे हैं कि दो बार स्वरूप वर्णन होता है, दो बार ध्यान चितवनी होती है, एक बार परमधाम की वृत चलाई जाती है 24 घंटों में। आज ये समाज ये नहीं जानता कि मूल मिलाव में कौन बैठा हुआ है, आज ये समाज ये नहीं जानता कि चितवनी ध्यान की पद्धति क्या है। कहते हैं हम तो उठते बैठते खाते पीते भी ध्यान कर लेते हैं, राजी राजी कर लेते हैं, और दावा क्या करते हैं, हमें लेने के लिए तो अक्षरातीत स्वयं आए हैं, उससे ज़्यादा बढ़कर के और क्या शोभा हो सकती है। जब वो लेने के लिए आए हैं तो ले करके जाएंगे ही। जिनको वाणी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, आलस करते हैं तो कहते हैं कि वाणी पढ़ने से क्या लाभ है, ब्रज में तो वाणी नहीं आई थी, ब्रज से रास में राजी वैसे ही ले गए, और रास से परमधाम वैसे ही ले करके चले गए,
तो तब भी तो ये ब्रह्मवाणी नहीं थी। कितना तर्क और कितना आलस्य, यथार्थता को समझने की कोई कोशिश नहीं करता। राज जी कहते हैं तुम्हारे लिए वाणी ले करके आया हूँ। सुंदर सात कहता है कि वाणी पढ़ने की तो आवश्यकता ही नहीं है। और इस सुंदर सात को जिस समाज में अखंड अलौकिक वाणी है उस वाणी को रुमाल में लपेट करके रख करके कथाएँ सुनाई जाती है। श्री जी ने कहा जिन कथाओं को सुन करके कोई भावसागर से पार नहीं हुआ और जिस समाज को संसार को भावसागर को पार करने के लिए तारतम वाणी दिया और कहा मैंने तुम्हें कुलजम स्वरूप की वाणी दे करके सब रद्द कर दिया, और हमारे समाज ने तो कुलजम स्वरूप की वाणी को ही रद्द करके फिर उन्हीं सपने के ज्ञान को पकड़ लिया और उसी पर इतने तल्लीन होते हैं, नाचते कूदते हैं, जहाँ न तो हमारा मूल घर परमधाम होता है, न 25 पक्ष होते हैं, न आत्मा होती है, न परमात्मा होती है, परमात्मा होता है, और न कभी इनके मिलन की बात ही होती है। 7 दिन की कथा समाप्त हो जाती है, हम कहाँ से आए और कहाँ जाना यही पता नहीं होता। और कहते हैं इस समाज से हम कैसे अपेक्षा करें कि क्या देखी रहे हम दुनिया जो इसको न करे अखंड। यदि ब्रह्मवाणी की इसका प्रकाश यदि संसार के पास नहीं पहुँचता है, किसी को ये पता ना चले कि निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, वो परब्रह्म का स्वरूप मूल मिलावे में विराजमान है, उस स्वरूप को हृदय में धारण किए बिना रीते जानात न मुक्ति, अगर उस सत्य को जाने बिना संसार में किसी को भी अखंड मुक्ति संभव नहीं है, यदि ये वचन आप सत्य मानते हैं तो निर्विवाद रूप से तारतम वाणी के प्रकाश को हृदय में धारण करके परमधाम की ध्यान चितवनी करनी ही होगी। जो भी संसार में महापुरुष हुआ है या जो परमहंस हुए हैं उनके रास्ते पर चल करके यदि हम उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके नक्शे कदम का अनुसरण तो हमें अवश्य करना पड़ेगा। गोकुल अर्ज करते हैं। गोकुल दास जी श्री जी के सामने दोनों हाथ जोड़ करके बंगला जी में खड़े होते हैं और कहते हैं कि धामधनी सामे हुए तखत। तखत में श्री जी विराजमान है, सामने गोकुलदास जी दोनों हाथ जोड़े खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं हमको इन खेल से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। इस खेल से ब्रह्म सृष्टियों को निकालने का एकमात्र निर्विकल्पीय साधन क्या है ये आगे बताने जा रहे हैं। भय मनोरथ पूर्ण, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई है संसार में रह करके, अब हमें कोई बहुत बड़ा उद्यम करना बचा नहीं है। हमने आपके चरण कमल को प्राप्त किया है तो आप अपने चरण कमल को, अपने प्रेम को और अपने संबंध का सुख हमें इसी तरह से प्रदान करते रहिए। कोई काज, अब इस अवस्था में पहुंचने के बाद अब संसार में हमारा कोई भी कार्य बचा नहीं, कोई भी इच्छा अधूरी नहीं है। श्री धाम धनी सुनते है। गोकुलदास जी की अर्जी को कौन सुन रहा है? बंगला जी के दरबार में तखत पर श्री जी का स्वरूप विराजमान है। लालदास जी कहते हैं कि यही धाम के धनी का स्वरूप गोकुलदास जी जो सुंदर सात की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए धनी से अर्जी करते हैं, धाम धनी उनकी अर्जी को सुन करके उनकी वाणी जो मकबूल, और उनकी वाणी कबूल करते हैं। दुआए जो मोमिनों की, ब्रह्म सृष्टियां जो धाम धनी से अपेक्षा करती हैं, दुआ मांगती हैं, वो पूर्ण करते हैं, होता है कबूल। ये धाम धनी कबूल करके उनको परम धाम की चितवनी कराते हैं, उनकी सुरता को परम धाम की ओर ले जाते हैं। अरज करी एक भात साथ ने, ये श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप है। यदि आपने एक तरीके से अर्जी किया तो उसके हजार गुना फल देने वाले, हजार तरीके से सुख देने वाला श्री जी का स्वरूप है। जैसा श्री जी को सुंदर सात अर्जी करते हैं उनको संसार से भी उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और परमधाम का दिग्दर्शन भी करा देते हैं। श्री जी विराजमान हुए तखत पर उनको श्रृंगार कराया जाता है। सुंदर सात सोचते हैं कि झांझरी घुंघरी कांवी कड़ेला क्या होती है, पाग क्या होती है, या उनके श्रृंगार में जो वर्णन आता है सागर श्रृंगार ग्रंथ में शायद सबको पता ना हो, तो श्री जी का श्रृंगार इस प्रकार कराया जाता है कि सिर पर पाग बांध दी जाती है,
कि मूल स्वरूप सिंहासन में इसी प्रकार से शोभा से युक्त हैं, गले में हार पहनाई जाती है और जितना संभव हो सके वो सारे वस्त्र और आभूषण का श्रृंगार कराया जाता है, जैसा मूल मिलाव में मूल स्वरूप का होता है। सुंदर सा देख देख करके अनुकरण करता है कि मूल स्वरूप श्रीराज जी का नूरी स्वरूप भी इसी प्रकार से श्रृंगार से सुसज्जित है, तो उसकी ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। महामति कहे ए मोमिनो। अब यहाँ पर चौथे पहर की बीतक पूरी होती है, सुंदर सात को परमधाम की ध्यान चितवनी कराते हैं, तो दिन का चौथा प्रहर भी वीरत यहाँ समाप्त होता है। अब यहाँ से आगे संध्या के 6 बजे से आगे 9 बजे तक छठे पहर की बीतक यहाँ से प्रारंभ होगी, इसका आप श्रवण कीजिए। अब कहो पहरे पांचवा, क्षमा करना, ये 5वें पहर की बीतक शुरू हो रही है 6 से 9 बजे तक, रात्रि का प्रथम प्रहर और ये प्रारंभ से लेकर के ये 5वां प्रहर है। आया जब बखत, जब संध्या का समय हुआ है, हुआ समय बैठन का। अब श्री जी यहाँ से ध्यान कराने के बाद उठ करके अपने आसन पर आकर के विराजते हैं। ऊपर इने तखत, तखत के ऊपर आके विराजमान हुए हैं। लच्छो अरज करते हैं, लच्छो बाई अब यहाँ आकर के अर्जी करती हैं। राजे पधारे कोन घाट, संध्या का समय हुआ, सुंदर साथ परम धाम की ही शोभा में डूबे रहना चाहते हैं और कहते हैं कि श्री जी आज परम धाम के कौन से घाट किस पक्ष का वर्णन करना चाहते हैं, हमें सुनाना चाहते हैं, हमारी सुरता को कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि श्री जी हर समय यही करते होंगे कि संध्या कालीन में चितवनी करके उठे हैं तो संसारिक बात क्या करें, संसार के ग्रंथों की बात क्या करें, सुंदर सात को सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रम की ही बातें करते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद में सोना ही होता है, 8-9 बजे के बाद सोने शुरू कर देते हैं कई लोग, 12 बजे तक श्री जी की चर्चा अनिवार्य रूप से होती है, कुछ एक लोग तब तक रहते हैं, तो इस समय ताकि उनकी निद्रा अवस्था भी परमधाम के ध्यान चिंतन में ही निद्रा अवस्था को प्राप्त हों, सपने भी आए तो परमधाम के ही आए, 25 पक्ष की शोभा ही दिखें, या दिन में आपने जिस चर्चा प्रवचन को सुना है श्री जी के स्वरूप का दर्शन किया है रात्रि को भी वही दिखे, ताकि सुंदर सात के हृदय में माया का प्रवेश न हो। महामति जी ने यहाँ तक कहा परमधाम की ब्रह्म सृष्टियाँ अपने धनी से इतना प्रेम करती है, उनके अंदर इतनी लगन होती है, खाते पीते उठते बैठते शोभत सुपन जागृत दम न छोड़े मासुक की जाकी असल हक निश्वत। संसार के जीव सृष्टि के लिए ये बात समझ में आना केवल एक कथनी के रूप में ही संभव है, लेकिन परमधाम की ब्रह्म सृष्टियाँ हैं उनके अंदर ये बात हकीकत रूप से होती है, क्योंकि यदि धर्मराज युधिष्ठिर सत धर्म की पालना करने के लिए अपने हक की वस्तुओं को त्याग करके 13 वर्षों तक वनवास रह सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्षों तक वनवास रह सकते हैं, हालांकि उनके पास भगवान विष्णु के 12 कला अवतार स्वरूप हैं, सारी शक्तियां हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, संसार को सीख देने के लिए धर्म को पालन करने के लिए इतने जुनून रख सकते हैं, इतने लंबे समय तक दुख कष्ट का सहन कर सकते हैं, जबकि वो चाहे तो उसका प्रतिकार कर सकते थे, तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के अंदर वो प्रेम क्यों नहीं होगा, वो हर समय अपने धनी के प्रेम में हमेशा डूबे रहना चाहती हैं। आप परमहंसों की वृत्त को बीतक कभी पढ़ के देखिए, मैंने एक बार सुना है परनाजी में कोई एक परमहंस होते थे, संत होते थे, वो भोजन करने भी बैठते थे तो उनकी आंखें कभी नहीं खुलती थी, अब खा रहे हैं तो कितने दिन के बाद खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, कितना खाना उनको ये भी पता नहीं है, जहाँ भी बैठते हैं उनकी आंखें मूदी रहती है और धनी के चरणों में उनकी सुरता लगी रहती है। आपने बीतक पढ़ा सुना, बराड़ परगने का एक ब्राह्मण होता है, श्री जी का दर्शन किया, तारतम प्राप्त किया, कुछ ही दिन चर्चा उन्होंने किया सुनी,
कभी घर चले जाते हैं, घर पहुंचते ही वापस लौट करके आते हैं। उनको ये मतलब नहीं कि चर्चा हो रही कि नहीं हो रही है। श्री जी बैठे हैं, उनके दर्शन हो जाए। सुंदर साथ बैठे हैं, उनसे कुछ बातें हो जाए। घर में जाते हैं, सोचते हैं कि ये माया का घर तो है, इससे पूर्व जन्म में मेरा इस घर से कोई संबंध था नहीं, इस शरीर का परित्याग करूंगा तब भी मेरा इस घर से कोई संबंध रहेगा नहीं, मेरी आत्मा का अनादि प्रियतम प्राणनाथ जी के रूप में इस नगर में आकर के एक मानव तन में लीला कर रहा है, मैं उनको क्यों छोड़ूं, मैं जाऊंगा फिर देखने जाऊंगा। लौट करके फिर आते हैं, नदी में बाढ़ आ रही थी, उनको लगा कोई बात नहीं मैं इस नदी को पार कर जाऊंगा। नदी में चले जाते हैं और उनकी पगड़ी उतर जाती है, लेकिन वो पानी में डूब जाते हैं। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार न सके कोए, राज्य की कृपा ऐसी होती है कि उसको लोग बचा लेते हैं, बाहर निकाल लाते हैं। कुछ भी पूछते हैं उनको कुछ सुध ही नहीं है, या तो मूल मिलावे की बात करते हैं, या श्री जी की बात करते हैं, या राज्य की बात करते हैं, या परमधाम की बात करते हैं। पूछ रहे हैं तुमने खाना खा लिया, तो खाने के विषय में तो उनको कोई चिंता ही नहीं है, केवल श्री जी का स्वरूप उनके सामने आता है, उसकी सुरता लग जाती है। उसने अखंड का क्या अनुभूति थोड़ी बहुत की होगी, उसकी सुरता वापस लौटना नहीं चाहती। श्री जी समझ गए कि इसकी आत्मा इस संसार के दुख सुख के खेल को देखना नहीं चाहती, अब इसमें इसका रस नहीं है। इसको धाम धन की कृपा से अखंड का कुछ रस मिल गया, उसमें इतना मगन हो गया कि इसकी सुरता लौटना नहीं चाहती। श्री जी समझ गए, घर वालों को कह दिया कि तुम ले जाओ, इसकी सुरता तो धनी के चरणों में लग चुकी है, जहाँ इसने अपनी सुरता को केंद्रित किया है अब उसको इतना सुख मिल रहा है कि इस संसार को देखना नहीं चाहता। भाव सिंह के साथ भी वही हुआ, लेकिन जिसको माया इस प्रकार से पकड़ लेती है कि उसको लगता है कि इस माया के संसार में सब कुछ सुख आनंद है, तो परमधाम के सुख को भला कैसे पा सकता है। श्री राज उत्तर देते हैं, धाम धनी जवाब देते हैं, आज पधारे पाट। आज परम धाम के रंग महल के सामने जमुना जी के ऊपर जो सात घाट हैं, उसमें से जो मध्य में पाट का घाट है, जहाँ जा कर के हम झिलना करते हैं। राज जी एक तरफ होते हैं, श्यामा जी सहित सखियाँ, हम रूहें 12,000 मिल के झिले तुम्हारे पास। उस पाट घाट का विवेचन, उसका सैर कराने के लिए सुंदर साथ की सुरता को ले जाते हैं। सुखपाल में बैठ के महारानी जी बायजूराज जी कोठा मंदिर से इस समय कुछ सुंदर साथ उनको सुखपाल पर विराज करके लेकर के आते हैं श्री जी के पास बंगला जी में। आरज आरोगन की वहाँ आकर के अब कुछ भोजन करने के लिए संध्या के समय में श्री जी के भोजन कराने के लिए अनुमति मांगी जाती है। मीठी बातें करते और मीठी बात करते हुए श्री जी उनको भोजन के लिए अनुमति देते हैं। इति थाल आरोगन की अब यहाँ भोजन आरोगने का समय हुआ। ल्याई मथुरी और हिम्मत, मथुरी और हिम्मत बाई इनकी सेवा होती है संध्या कालीन में भोजन कराने की। साग तरकारी कटोरी कई प्रकार के सुंदर साथ आसपास में जो होते हैं, कोई अपने घर में साग भाजी तरकारियां बनाते हैं तो सोचते हैं सभी लोग संसारिक लोग भी भोजन बनाते हैं तो अपने इष्ट को भोग लगाते हैं, तो हम किसको भोग लगाएं, राज्य का, और राज्य कहाँ पर है, मूल मिलावे में है, और मूल मिलावे में लीला करने वाले तो आज प्राणनाथ जी के रूप में हमारे सामने ही विराजमान है, तो हम उनको ही क्यों ना भोग लगाएं। कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं, श्री जी उनके भाव का कबूल करते हैं। किसी ने मूंग की दाल तल करके ले आए, भुन के ले आए, एक दाना ले लिया, किसी ने साग भाजी कुछ लेकर के आए तो एक तिनका ले लिया, लेकिन उनके भावनाओं का कदर अवश्य करते हैं। श्री महाराजा बाई जी महाराजा छत्रछाल जी और बाई जी राज जी बैठ करके श्री जी को भोजन अरुगाती हैं। हाथ पखालत प्रेम सो हाथ धुलाया जाता है, मानक सेवा करे खुशाल, और ये प्रसन्न होकर के मानक बाई ये सेवा करती हैं। आरोगत अत हेत सो श्री जी बहुत प्रेम के साथ भोजन आरोग रहे हैं। सो कहाँ लो कहूँ मैं ए है उस सुंदर साथ ने, काश उस समय यदि
आज का सुंदर साथ श्री जी की सेवा कर पाता, ये इन आत्माओं का भी अगर वो सौभाग्य होता कि श्री जी के दर्शन करते और वो सेवा इनको प्राप्त होती। वैसे धामधनी हमेशा सुंदर साथ के बीच ही विराजते हैं, उनसे दूर नहीं रहते। श्यामा जी के साथ धनी थे, हक्की सूरत श्री प्राणा जी के रूप में लीला की तब भी राज जी उनके साथ थे। जागनी के ब्रह्मांड में महामती के हृदय में बैठ करके जागनी लीला का संपादन क्यों करा रहे हैं? क्योंकि राज जी कहते हैं, रूहों मैं रह न सकूं तुम बिन, तुम्हारे से मैं अतिरिक्त अलग नहीं रह सकता हूं। लेकिन श्री जी का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से ये प्रमाणित था कि यही अक्षरातीत का स्वरूप है। लेकिन आज हमारे बीच में भी सुंदर साथ में कहीं यदि राज जी हमसे अलग तो नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई यही हमारे राज जी के स्वरूप हैं। ये दो तो स्वरूप थे ऐसे जिनको हम शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित कर सकते थे। बाकी सुंदर साथ के हृदय में राज जी विराजमान हैं, तो राज जी को कभी भी अपने से अलग नहीं सोचना चाहिए। सागर ग्रंथ की 8वें प्रकरण की 2री चौपाई है, अर्श कहया दिल मोमिनु अर्श में सब विसात। ब्रह्मसृष्टियों का हृदय राज जी का अर्श है और वहाँ पर परमधाम की सारी सामग्रियाँ होती है। जब प्रत्येक ब्रह्मसृष्टि के साथ राजी हैं तो राजी ब्रह्मसृष्टियों से अलग कभी होते नहीं हैं। लेकिन जिसकी दृष्टि पहचान सकती है, पहचान कर उसका लाभ ले सकती है, वो उसके सौभाग्य का विषय है। राज भोग सामग्री लवाजे में, धाम धनी को भोग लगाने के लिए जो भी भोजन की सामग्री होती है सुंदर साथ ले करके पहुँचे हैं। सब शाक तरकारी के, सब प्रकार की साग भाजी तरकारियाँ इत्यादि होती हैं। इत रुमाल आड़े डार के, जब भोग भोजन लेकर के आते हैं तो मुंह में रुमाल लेकर के, ताकि कोई बोलते समय या कभी छींक हो जाए या सांस लेते समय कोई इस भोजन के ऊपर उसका प्रभाव न पड़ जाए, इसलिए मुंह के सामने रुमाल डाल करके लेकर के आते हैं। सेवे बिहारी दास, ये बिहारी दास जी की सेवा है। सखियां सब ठाड़ी रहे, और सेवा के सुंदर साथ खड़े हैं। मन में सेवन की आस, सबकी इच्छा होती है कि हम धाम धनी की सेवा करें। आरोगत अतहेत सो, श्री जी भोजन करते हैं बहुत प्रसन्नता के साथ। बातें करे बनाए, और कभी कभी जब बातें करते हैं जरूरी होती है, बीच बीच में थोड़ा बोलते हैं तो बहुत प्रेम पूर्वक बोलते हैं, और जिसको संबोधन करके बोलते हैं तो उसका दिल जीत जाते हैं। धाम धनी गाए रिझा वही, सुंदर साथ श्री जी भोजन कर रहे हैं, सुंदर साथ को अवसर मिला, बैठ करके सोचते हैं कि हम व्यर्थ की बात क्यों करें, कुछ दो शब्द ही सही, कुछ गायन करते हैं, वाणी की चौपाइयाँ उच्चारण करते हैं। कवल देते है ताए, उन सुंदर साथ की प्रेम भावना को, राज्य के प्रति एक निष्ठ भावना को देख करके श्री जी अपने भोजन से कुछ कौर निकाल करके उन सुंदर साथ को प्रसाद के लिए भेज देते हैं, तो सुंदर साथ धन्य भाग समझता है। बाई जी बाता करते हैं, बाई जी राज बीच बीच में बात करती हैं। आरोगने के बखत, आरोगते समय बीच में पूछती हैं। श्री राज रीज के कहते हैं, धाम धनी उस समय रीज के करके कहते हैं, ऊपर बैठो इन तखत, तेज कुंवरी जी को बाई जी राज जी को कहते हैं, तुम आकर के ऊपर तखत में साथ में बैठ जाओ। बगल में उनके श्री जी के बगल में एक तखत लगा होता है, एक आसन बाई जी राज जी के लिए लगा रहता है। श्री जी कहते हैं कि आकर के बैठ जाओ, लेकिन मर्यादा के कारण तेज कुंवरी जी के लिए जो लगा रहता है वो कोतल रहता है, यानी खाली रहता है। तेज कुंवरी जी सोचती हैं कि जैसे सुंदर साथ रिझा रहे हैं, हम भी आपको रिझाएंगे, हम भी आपको इसी तरीके से ही सेवा करेंगे। जल छबिल दास लिया, बीच बीच में जल और की सेवा ये छबिल दास जी की है। आरोगने हक हक, धाम धनी को अरुगाने के लिए लाते हैं। कंचन कटोरे सुंदर, ये सुंदर साथ की सेवा है। कुछ सोने की कचौड़ियाँ होती है, उसमें जल भर भर करके या कुछ भोजन की सामग्रियाँ भर के लाते हैं। जले वाय देत माफक, और मौसम के अनुसार जल उसमें मिला करके, ठंडा गर्म मिला करके दिया जाता है।
श्री राज रहे आरोग्य के धाम धनी का स्वरूप श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप सुंदर सात की सेवा को कबूल करते हुए भोजन आरोग रहे हैं। सैया उठाई थाल, अब भोजन करने के बाद थाल उठाया जाता है। चुल्लू करावे चोपसो, और बहुत सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक चुल्लू कराया जाता है। शाकुंडला दिल खुशाल, ये छत्रसाल जी सोचते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि ये श्री जी की सेवा मुझे प्राप्त हुई। कहावा आरोगने को, अब कहावा आरोगने को, उस समय चाय नहीं पिया करते थे। कहावा मतलब तुलसी, काली मिर्च, अदरक, इलायची, सौंठ, पीपर इत्यादि, इन चीज़ों को मिला करके जिससे स्वास्थ्य को भी लाभ मिल जाए और पेय के रूप में भी हो जाए, गले को भी सेक मिल जाए और कुछ शरीर में पानी की मात्रा की भी कमी न हो, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहवा बना करके, जैसे काढ़ा इत्यादि बनाया जाता है उसमें गुड़ इत्यादि मिला करके, तो ये कहवा बना करके पीते हैं जिससे भोजन पचता भी है और पेट भी हमेशा साफ सुथरा रहता है। ले आई मानक, मानक की सेवा होती है, भर के देवे हाथ में, और भर करके श्री जी के हाथ में देती हैं। जे जो गंगा दास बुजरा के, और ये गंगा दास ही हैं, ये बुजुर्ग यानी सभी सेवाओं में अग्रणी होने के कारण इनकी सेवा को श्रेष्ठ माना गया। हार कलंगी आवत, श्री जी के लिए कलंगी, जो पाक के ऊपर कलंगी पहनी जाती है छत्रसाल जी के दरबार से, और सुंदर साथ अपने अपने हाथों से बना करके लाते हैं, सबका नाम ले ले करके यहाँ मुजरा किया जाता है और श्री जी उसको स्वीकार करते हैं। ऊपरा ऊपरा इत के, हाँ, जिनकी पारी होती है वो सब अपने अपने ला करके सेवा में हाजिर करते हैं। आरती होता आनंद सो, अब संध्या कालीन का समय हुआ, आरती का वक्त हुआ है। करत अति घने प्यारे, बहुत प्रेम पूर्वक सब बंगला जी के चारों तरफ बैठ जाते हैं और संध्या आरती शुरू होती है, और संध्या आरती गौरी इत्यादि बोल जाने के बाद आरती का वक्त होता है। श्री जी तख्त पर विराजमान होते हैं, सभी सुंदर साथ मिल करके श्री जी के सामने खड़े हैं, तेज कुमारी जी सामने खड़े हैं, कुछ कुमारिकाएं सखियां, छोटी छोटी सखियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, उनको भी ये सिखाया जाता है, वो आ करके आरती के समय में सब खड़े हुए हैं। कंचन थाल चौमुख दीवला, श्री जी के आसन के सामने एक चौकी बिछाई जाती है, उस पर एक रुमाल बिछाया जाता है, और सबसे पहले चावल या मुक्ता फल कहते हैं जिसको, वैसे मुक्ता फल मोती को कहते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हर किसी के घर में सुबह शाम दोनों वक्त या पांच वक्त की आरती जहाँ भी होती है, मोतियों की बधाई करना संभव नहीं है, इसलिए चावल हाथ में लेते हैं और चावलों से या फूल की पंखड़ियों से बधाई की जाती है। उसके बाद आरती होती है, कंचन की सोने की थाली है, उसके ऊपर पांच खंड वाली आरती होती है, पांच खंड परमधाम के पांच स्वरूप का प्रतीक है, राजी, श्यामाजी, सखियाँ, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, ये पांच स्वरूप हो जाते हैं। जागनी के ब्रह्मांड में पांच स्वरूप कौन है? राजी, श्यामा जी, अक्षर की आत्मा, जबराइल और असराफिल। तो सुंदर साथ कई पांचों स्वरूप का भोग बोलते हैं, तो परमधाम में यदि पांच स्वरूप कहें तो अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी का तो भोग लगता नहीं है, परमधाम के ये पांच स्वरूप हैं, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी को परमधाम में भोग नहीं लगता, और यहाँ जबराइल और असराफिल फरिश्ता, ये अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते हैं, उनको यहाँ जागनी ब्रह्मांड में भी भोग नहीं लगाया जाता है। तो सुंदर सात पांचों स्वरूप का भोग बोलते हैं, तो आप उस समय किस स्वरूप का ध्यान करते हैं? क्या जबराइल असराफिल को भोग लगा रहे हैं या परमधाम का ध्यान कर रहे हैं? तो परमधाम में महालक्ष्मी और अक्षर ब्रह्म तो उस वाहिदत की लीला में समावेश नहीं होते। यदि आपने राजिक भोग लगाया, श्यामा जी को भोग लगाया, सखियां उस लीला में समावेश हैं, तो जहां राजी आ गए वहां सब कुछ आ गए, तुम आए सब आइयां, दुख गए सब दूर। हम सोचते हैं कि अगर पांचों स्वरूप का भोग नहीं बोला तो पांच स्वरूप नाराज हो जाएंगे, तो
कई बोलते हैं कि अगर सदगुरु देवचंद्र जी का नाम नहीं लिया तो पूरा भोग पूरा नहीं माना जाएगा, सबको भोग नहीं लगेगा। कोई कहते हैं प्राणनाथ जी का नाम नहीं लिया जाएगा। अरे ब्रज में आने वाले स्वरूप भी वही हैं, बालमुकुंद के अंदर भी वही राजी बैठे हैं। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई शुद्ध अर्श की, ज्यों अर्श में हो आप। देवचंद्र जी के अंदर भी वही बैठे हैं, हुक्म के स्वरूप की भी लीला वही है। और उसके बाद हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी के अंदर जब पांचों स्वरूप बैठे हैं, महामती उनको कहा गया, धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, आप जिसको भोग लगा रहे हैं जागनी ब्रह्मांड में, जिसको अक्षरतीत का स्वरूप कह रहे हैं, वो तो पांचों स्वरूप उसमें है। परमधाम के पांच स्वरूप भी इसी में निहित हैं, जागनी ब्रह्मांड के पांच स्वरूप भी उसमें निहित हैं। तो आपने प्राणनाथ जी को भोग लगाया, राज जी को भोग लगाया, तो सबका भोग लग गया। पारी पारी से सब गिन करके कि ये भोग लगाने की बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। राज जी श्यामा जी का नाम ले लिया, युगल स्वरूप का नाम लिया, तो सबको भोग लग गया। और उनसे बड़े और किसको भोग लगाना चाहते हैं। तो ये पांच स्वरूप परमधाम के हैं, इसका प्रतीक पांच खंड वाली आरती है। और उसमें चारों तरफ मिला करके 32 दिए जलाए जाते हैं। 32 दिए किसका प्रतीक है? परमधाम के 25 पक्ष हैं और 25 पक्ष परमधाम को 32 हांस वाला कहा गया है, 32 पहल वाला कहा गया है। तो ये 32 पहल का प्रतीक 32 दिए उस आरती के चारों तरफ घेर करके रखे जाते हैं और उसको प्रकाशित किया जाता है। कंचन थाल चहुमुख दीवल दीपक ज्योति प्रकाश, उस आरती को जला करके सोने की थाली के ऊपर 32 दिए को जलाए जाते हैं और वो 32ों के 32 दिए जल करके चारों तरफ प्रकाशित हो रहे हैं। हमारी आत्मा की सुरता धनी के चरणों में लगी है और उनके शोभा को देख रही है। करत आरती श्री जियावर रानी, सर्वप्रथम जियावर रानी बाईजुराज जी आरती करती हैं। आनंद अंग उल्लास, हृदय में उनको अत्यधिक आनंद और उल्लास लेकर के सेवा करती हैं। युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, महामती के हृदय में युगल स्वरूप राज जी श्यामा जी दोनों विराजमान हैं। श्याम धाम धनी सो, जिनको श्याम श्यामा जी कहते हैं, धाम धनी जी कहते हैं। मंगल रसिक वदन की शोभा, प्रत्येक सुंदर साथ, ये परना जी की आरती है। संध्या के समय में अपने घर में ब्रह्मवाणी पधराता है और यही तो आरती करता है। कंचन थाल चहुमुख दीवल दीपक ज्योति प्रकाश, और ये श्री प्राणनाथ जी की आरती है, परना जी की, आप बीतक में सुन रहे हैं। तो उस समय जो ब्रह्मात्माओं ने श्री प्राणनाथ जी की आरती की, उनको जागनी ब्रह्मांड में धाम धनी का स्वरूप मान करके सेवा की। और आज भी यदि आप उसी सिलसिले को, इसी परंपरा का पालन करते हुए यदि श्री जी की आरती करते हैं, प्राणनाथ जी को अपना इष्ट मान करके रिझाते हैं, तो इसमें कौन सी विरोध वाली बात है? इसमें तो कोई विरोध आभास तो मुझे तो दिखता ही नहीं है। और यही आरती सभी सुंदर साथ करते हैं, लेकिन कहते कि नहीं, श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप राज जी का स्वरूप नहीं है, राज जी तो कुछ और हैं। देवचंद्र जी प्राणनाथ जी के गुरु थे और प्राणनाथ जी देवचंद्र जी के शिष्य हैं। आपने स्वरूप की पहचान नहीं की है। राज जी ब्रज में आए, श्री कृष्ण जी राज जी बने, रास में चले गए, बांके बिहारी जी राज जी थे, बांके बिहारी के रूप में लीला हुई। इन दोनों तन को अखंड ब्रज रास में अखंड कर दिया, उनके अंदर लीला करने वाली जो राज्य की शक्ति है, आवेश स्वरूप है, वो देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान हुआ, तो देवचंद्र जी राजी हो गए। और देवचंद्र जी का शरीर त्याग हुआ तो वही युगल स्वरूप आकर के महामती के हृदय में विराजमान हो गए। तो ये सभी पांचों स्वरूप के अंदर, पांचों तनों में बैठने वाले प्राणनाथ हैं। मिराज ठाकुर प्राणनाथ नहीं है, देवचंद्र जी के गुरु प्राणनाथ नहीं है, जो देवचंद्र जी के अंदर बैठने वाले राजी प्राणनाथ हैं। आप प्रगट वाणी को खोलिए, उसमें एक चौपाई आती है, तब श्रीमुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढ़नो अपनो साथ,
माया मिने आई सृष्टि ब्रह्म सुबलाउन आए हम। उस समय तो मिराज ठाकुर राजी नहीं हुए थे, प्राणनाथ नहीं हुए थे, तो देवचंद्र जी के अंदर बैठे प्राणनाथ है। आप कहोगे देवचंद्र जी के अंदर बैठे प्राणनाथ है, ब्रज के अंदर भी तो प्राणनाथ आए थे, मागा किया राधा बाई का, पर भी आए नहीं प्राणनाथ। राधा बाई जी से मोगनी तो हुई, लेकिन राधा बाई और श्री कृष्ण जी की विधिवत रूप से विवाह नहीं हुआ। मूल संबंध एक संगे, मूल संबंध परमधाम का होने के कारण औपचारिक रूप से विवाह करने की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती थी। इनका शारीरिक संसारिक प्रेम नहीं था, ये तो आत्मिक प्रेम होने के नाते अखंड संबंध पहले से ही है। रास में लीला करने वाला स्वरूप को प्राणनाथ कहा गया है, तो हम कहते हैं कि नहीं, ये मिराज ठाकुर प्राणनाथ हैं, ये देवचंद्र जी के शिष्य हैं। ये हमने वाणी की गहराई को न पढ़ने से और स्वरूप की पहचान न करने से आज हम ये कहते हैं कि प्राणनाथ जी हमारे धाम धनी नहीं हैं। लेकिन उस समय जो आरती की जा रही है, क्या कह करके, यही हमारे धाम के धनी हैं। अभी आरती होगी, आरती का बोध होगा, हमने किसकी आरती की ये पहचान कराया जाएगा। तो आप चौपाई को सुनना और समझ लेना कि लालदास जी और उस समय के 5000 की जमात किसको धाम धनी मान करके रिझाता है और अखंड परम धाम के सुख को प्राप्त करता है। सखियां नृत्य करे और गावे, सब सुंदर साथ नृत्य करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, आनंद अखंड अपारे, अनंत अखंड आनंद उनको प्राप्त होता है। ताल मृद झांझ जंतर बाजे, ताल मृदंग झांझ जंतर, ये सारे वाद्य सामग्रियां उस समय बजाई जाती है। सखियां धाम धनी की जयकारे से पूरे बंगला दरबार गूंज उठता है। वाधा वे मुक्त ताफल सखिया, मुक्ता फल बधाव करते हैं, यानी चावल और नारियल इत्यादि की बधाई होती है। श्री जियावर श्याम सुहागी, श्री जियावर श्याम सुहागी, जियावर श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप और उनकी सुहागन ये ब्रह्मसृष्टियों का स्वरूप है, जो धाम धनी की आरती में समावेश होकर के खुशियां मना रही हैं। तन मन जीव निछावर किन हो, ये सभी सुंदर साथ धाम धनी के चरणों में निछावर होते हैं। जैसे सभी सुंदर साथ निछावर हो रहे हैं, इंद्रावती की आत्मा सोचती है कि मेरे अंदर धाम धनी बैठे हैं और मैं तखत पर, मेरा स्वरूप है, यानी जिस शरीर को मैंने धारण किया है, धाम धनी अंदर विराजमान होने से सुंदर साथ मुझे धाम धनी का स्वरूप रिझा रहा है। लेकिन 12000 ब्रह्म सृष्टियों में मैं भी तो एक हूँ। जैसे सुंदर साथ धनी के चरणों में समर्पित होता है, मैं भी इसी प्रकार से धनी के चरणों में समर्पित होकर के मैं भी इस सुख को प्राप्त करती हूँ। इसीलिए यह कहा गया महामती चरणों लागे, महामती के स्वरूप की आरती होती हो रही है, लेकिन महामती जी की अंतरात्मा की भावना है, मैं भी इन सुंदर साथ की भांति धनी के चरणों में निछावर होकर के सुख प्राप्त करूं। इन भात नित आनंद, नित्य प्रति इस प्रकार बंगला जी में आनंद होता है। कई खलक आवे दीदार को, बहुत सारी दुनिया दर्शन करने के लिए आरती के समय में आती है। सुन कायमी पावे इन्हें से, इस आरती के धुन को सुन करके इनको भी कायम सुख, अखंड सुख की प्राप्ति होती है। यही अक्षरातीत है, अब उस समय आरती का बोध किया जाता है कि क्योंकि कई खलक, आपने अगली चौपाई में सुना है, कई खलक आम खलक वहाँ की आम जनता देखने के लिए आती है, तो सोचते होंगे कि यहाँ तो एक इनके गुरु को ही बैठा करके आरती कर रहे हैं, उनको प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान तो नहीं है। इसीलिए सुंदर साथ आरती का बोध करते हैं कि ये मेरे गुरु नहीं, हमारे गुरु नहीं है, एक सामान्य इंसान नहीं है। सुंदर साथ खुल करके कह सकता है, धर्म ग्रंथों की निशानियाँ दिखा सकता है कि कयामत के समय में प्रकट होने वाले स्वयं परब्रह्म के स्वरूप निष्कलंक बुद्ध अवतार यही हैं, क्योंकि इसके लिए, इन दोनों स्वरूप के लिए धर्म ग्रंथों में प्रमाण है, तो हम खोल करके कह सकते हैं। तो सुंदर साथ उनकी पहचान करा रहा है, क्या कहता है, यही अक्षरातीत हैं, यही तो अक्षरातीत परब्रह्म का स्वरूप है। यही है धनी धाम, यही प्राणनाथ जी का स्वरूप ही हमारे धाम के धनी का स्वरूप है। यही मोहम्मद मेहंदी ईसा, तीसरे दिन के रूप में
तीसरी लीला के रूप में लीला करने वाले भी रसूल मोहम्मद के रूप में भी इन्होंने लीला की, ईसा रूह अल्लाह के रूप में चौथे दिन में लीला की, और वही पाँचवें दिन की लीला में महामती के रूप में इमाम मेहदी के रूप में लीला करने वाले स्वरूप यही है। यही पूरे मनोरथ काम सभी ब्रह्म सृष्टियों की इच्छा को यही स्वरूप पूरा करेंगे। सिंहासन बाईजी, सिंहासन पर बाईजुराज जी जुगल स्वरूप शोभाए, अब बाईजुराज जी भी विराजमान हो जाती हैं, युगल स्वरूप विराजमान है। आनंद स्वरूप सुतेज को, जिनके आनंदमय और अत्यधिक तेजोमय स्वरूप की शोभा अपरंपार हो रही है। कहलो कऊ बनाए, उस स्वरूप का मैं कैसे वर्णन करूं। श्री महामति कहे साथ जी, इस प्रकार से ये पांचवें पहर की भी तक आपने श्रवण किया, इसके बाद अब छठे पहर की भी तक शुरू होती है, तो छठे पहर की भी तक को आप श्रवण करें। अब कहो पहर छठे की, छठे पहर में अब यहाँ से चर्चा शुरू होती है, श्रीमुख वाणी की चर्चा, सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा इत्यादि, या सुंदर सा जो पूछना और समझना चाहते हैं इन विषयों पर चर्चा होती है। बैठत सुनत जमात, और सुन्नत जमात, जिनको सुनने मात्र से ही ईमान आ जाता है, इनको सुन्नत जमात कहा गया है। अब इसमें सुन्नत जमात, क्योंकि सभी लोग नहीं बैठेंगे, कुछ ऐसे गिने चुने सुंदर साथी बैठते हैं जो परमधाम की खासल खास आत्माएं होती है। मुरलीधर सम्मुख बैठते, मुरलीधर जी सबसे सामने आकर के बैठते हैं, एक मूर्ति की भांति श्री जी से नजर मिलाते हैं और चर्चा सुनते हैं। एक बाजू श्री महाराजा, छत्रसाल जी आते हैं तो एक तरफ बैठते हैं, दूसरे तरफ देवकरण जी बैठते हैं, तो उस समय चर्चा में और भी रस बरसता है, सुंदर साथ उनके पीछे बैठ करके आनंद में बह जाते हैं। और किशोरी आवत, ये किशोरी सिंह है, ये भी रामनगर के राजा के यहाँ जब रामनगर श्री जी पहुँचे थे तो उस समय इनकी जागनी हुई थी। बैठते चर्चा में, चर्चा में बैठते हैं। झाड़ू देत बंगले मिने, ये उस समय के मंत्री पद को संभालने वाले हैं, लेकिन संध्या के समय में जब बिस्तरा लगने का समय होता है तो सबके बिस्तरे उठाए जाते हैं और बंगला जी में जल छिड़क करके झाड़ू लगाने की सेवा इनकी होती है। सोबत देव करने से, और देव करण जी भी ये सेवा करते हैं। बीर जी मोदी आवत, बीर जी और मोदी ये भी आते हैं। और लच्छी सुकल, और लच्छी और सुकल ये आते हैं। मिड़ई नित चर्चा सुने, ये नित्य प्रति चर्चा सुनने के जो सामने बैठ कर के चर्चा सुनते हैं, इसमें बहुत सारे सुंदर साथ के नाम है। बिना सुने न पड़े काल, बिना पढ़े न सुने कल, इनको श्री जी के मुखारविंद से कुछ दो चार चौपाइयां दो चार शब्द सुने बिना चयन नहीं पड़ता। ए पच्चीसी की बात पड़ी, अब यह श्री जी चर्चा करते हैं तो 25 पक्ष की बात करते हैं। 25 पक्ष आप सबको पता है, धाम तालाब कुंजवन जोए, बनकी नहरे माणिक सोए, पश्चिम चौगान बड़ुबन कहिए, ए पुखरा जमुना जी लहिए, आठ सागर आठ जिमी के, ए 25 पक्ष धाम धनी के। इन 25 पक्षों में से कहीं की भी चर्चा पारी पारी से, क्योंकि संध्या के समय भी पूछा था कि श्री जी आज आप हमें कहाँ का सैर कराने वाले हैं, तो 25 पक्ष की चर्चा यहाँ होती है। जिन्हें नजर लाहुत पर, जिनकी नजर लाहुत परम धाम में पहुँच गई है, वही यहाँ की शोभा को समझ सकता है। सो हिसाब में ना आवही, और उस सुख को इस संसार में किसी शब्दों में हिसाब में नहीं लाया जा सकता। कहो सखियों की खातिर, ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए सखियों के खातिर धाम धनी की ये बहुत बड़ी कृपा है। श्री राज और श्यामा जी, और युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी जो सिंहासन पर विराजमान होते हैं युगल स्वरूप के रूप में, और उनके स्वरूप का वर्णन किया जाता है, वस्त्र आभूषणों के श्रृंगार का वर्णन होता है। ए दोनों युगल किशोर, राज श्यामा जी दोनों एक होते हुए भी युगल स्वरूप के रूप में लीला करते हैं, तो युगल रूप में दिखाई देते हैं। रूहे रहे दरगाह में, और श्यामा जी के अंग सभी ब्रह्मात्माएं हकीकत के स्वरूप आत्माओं के रूप में
परम धाम में विद्यमान है। ए तीनों एक स्वरूप ना और ये तीनों एक स्वरूप हैं, लीला के लिए देखने के लिए केवल इनका रूप ही भिन्न भिन्न है, अंदर सबके अंदर एक ही अक्षर अतीत विराजमान होने से एक स्वरूप कहा जाता है। अक्षर आवे मुजरे को, अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं, वो सत अंग है अक्षर अतीत के। श्री धाम धनी के दीदारे, धाम धनी के दर्शन करने के लिए नित्य प्रति सवेरे प्रथम प्रहर में दर्शन करने आते हैं। मुजरा कर पीछा फिरे, श्री राज जी का आधे मुखारविंद का दर्शन करते हैं, चांदनी चौक में आकर के तीसरी भूम की पड़साल से राज जी दर्शन देते हैं। रिझावे परवर दिगारे, और धाम धनी को रिझाते हैं वो भी। ए लीला केती कहो, अब इस समय पूरे 25 पक्ष की लीला का वर्णन होता है। अब ये पूरे 25 पक्षों का लीला तो आपने परिक्रम ग्रंथ में आप विधिवत रूप से पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से मध्य में रंग महल है, रंग महल के चारों तरफ घेर करके परिक्रमा, पूर्व दिशा में सात घाट जमुना जी, और दक्षिण में जाएंगे तो बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज हाउस, कोसर मानिक पहाड़, 24 हंस का महल। पश्चिम में जाएंगे फूलबाग, नूरबाग, अन्नबन, दूब दुलिंचा, पश्चिम चौगान। उत्तर में जाएंगे लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़बन, बड़ेबन, मधुबन, महाबन, पुखराज पहाड़ इत्यादि। और पूर्व दिशा में और दूर देखेंगे तो जमुना जी की उस पार अक्षरधाम, और वहाँ से आगे 8 सागरों तक जो परमधाम की शोभा दिखाई पड़ती है। रंग महल की चांदनी में खड़े होकर के देखेंगे तो उत्तर दिशा में देखेंगे तो रंग महल की चांदनी से लगता हुआ बड़ोबन की वृक्ष की चांदनी लगी है बहुत दूर तक। और आगे देखेंगे तो 250 भूम की ऊंचाई पर एक सीढ़ी की भांति, और आगे देखेंगे 500 भूम की ऊंचाई, और महाबन जा करके पुखराज पहाड़ की चांदनी से लगा हुआ 1000 भूम की ऊंचाई पर है। ये वर्णन करके सुनाते हैं सुंदर साथ। इस वर्णन को सुन सुन करके रात्रि के 12 बज जाते हैं, और 12 बजने के बाद छठे पहर की लीला समाप्त होती है। वहाँ से आगे सातवें पहर की लीला हम कल श्रवण करेंगे, और कल समाप्ति होगी सवेरे 10 से 12 बजे, कल समाप्ति का समय रहेगा। सभी सुंदर साथ 10 बजे से पहले उपस्थित हों, और समाप्ति कर आरती करने के बाद सभी सुंदर साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। आज ये छठे पहर के बीच तक यहाँ समाप्त किया जाता है। सभी मिल करके चौपाई तो रहेंगे। श्री महामति कहे सैयनो, श्री महामति कहे सैयनो, ए छठे पहर की बीतक, ए छठे पहर की बीतक, अब कहो प्रहर सातवा, अब कहो पहर सातवा, जैसी सुहवत हाक, जैसी सुहवत हाक, जैसी सुहवत हाक, जैसी सुहवत हाक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय।